अस्सलाम वालेकुम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या हाल चाल है तुम लोग? ठीक ठाक हमारे अगेन हाजिर है एक और नए ब्लॉग के साथ। A few minutes later. आज जुम्मे का दिन है और अभी अभी मैं नमाज वमाज पढ़ के फारिग हुआ हूँ और आज एक दावत में जाना है। वो ये है कि मोनिस DSP हमारे जो एक अदर दोस्त हैं उनके भाई का निकाह है, तो दावत है। तो आज सबसे बड़ा मसला मेरे लिए ये है, सबसे मेन इशू, क्योंकि मैं शादी दावतों में कहीं नहीं जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, तो मेरे पास उस हिसाब उस टाइप के कपड़े भी नहीं है। तो अभी मैं सुबह उठा, नमाज नमाज पढ़ के नाश्ता वाश्ता करके फारिग हुआ और सुबह से मैं जब से उठाऊँ मुझे यही मसला है कि भाई मैं पहनूँ क्या। क्योंकि भाई पहनने का मसला ये है क्योंकि मैं जब दावतों में जाता ही नहीं हूँ तो फिर मेरे पास वैसा कपड़े भी नहीं होंगे, सबसे बड़ा मसला ये। अभी मैं कपड़े वपड़े ढूंढ रहा था अपने, मैंने बोला शायद एक आध कोई सूट निकला है। और एक इशू ये भी है कि मुझे साल में 2 से 3 बार आप लोग कुर्ता शलवार में देख लोगे या कुर्ता पजामा में, मैं कुर्ता पजामा भी नहीं पहनता हूँ, ये भी एक मसला है। लेकिन खैर आज कोई जुगाड़ मारते हैं और आज निकाह के साथ साथ मेहंदी माइयों जो होती है लड़के की वो भी सीन है। तो सबसे पहले हमें जुगाड़ मारना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा सूट निकालें जो आज के फंक्शन में इवेंट में फिट बैठ जाए, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। वो ईद पे मैंने एक ब्लैक था मेरे पास, अब ब्लैक तो पहन के नहीं जा सकते भाई। तो चलो अभी इधर देख लें ज़रा, एक आध कोई निकल आए भाई, कोई एक कुर्ता शलवार तो वाइट शर्ट है इसमें मेरे पास एक भी, ये एक देखो ये ईद वाला पड़ा हुआ है, ये मैंने ईद पे ये पहना था, लेकिन ये चिकन का है और इसको थोड़ी ना मैं अभी निकाह में, आज माइयों भी है तो इसको थोड़ी ना पहन सकते हैं यार, सारा मसला ये है। तो आज पहले तो सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ छोटे वाले भाई के अलमारी वलमारी में जाके देखते हैं का दूध निकल आएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनवानी है, थोड़ा चेहरे वेहरे का हो लिया, बाल वाल भी थोड़ा सही करवा के जाएंगे और गाड़ी है, गाड़ी को देखेंगे सर्विस पर आएगी। लेकिन आज मैं लेके जाऊँगा बेबी सुप्रा, तो बेबी सुप्रा की देखेंगे, अगर क्या पता सर्विस करवानी पड़े या तो सर्विस करवा के लेके जाएंगे, वरना कपड़ा वपड़ा मार के साफ सुथरी करके लेके जाएंगे। चलो सबसे पहले तो मैं अपने सूट की जुगाड़ मारूं कि पहनना क्या है मैंने और क्या नहीं। A few minutes later. Once again we are here और ये रही अपनी तीन रानियां। बेबी सुप्रा को मैंने अभी भाई बाहर निकल के नमाज के बाद पूरा चमकावा चमकाया है, थोड़ी सी दोबारा मिट्टी आ गई, मिट्टी वाली जगह पे खड़ी हुई है गंदगी में। खैर गाड़ी को लॉक करते हैं, दरवाज़ा वरवाज़ा, अरे तो पीछे खुलता है तो मैं यही भूल जाता हूँ। चलो बैठते हैं और चलो भाई अब इसको करते हैं स्टार्ट, सन्नाटा हो गया। बेबी सुप्रा आ हा टी टी बज जा जरा, ये बजी टी, और क्या हो गया वो वेरी नाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा, मैंने बोला थोड़ा खत वत को ज़रा सही करवा लें, अभी कोई क्या टाइम हो रहा है दूसरे मोबाइल में 5:30 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो क्यों ना जाके खत वत बनवा ली जाए, उसके बाद आके कपड़े वपड़े रेडी करते हैं, दिखाता हूँ कौन सा सूट वूट निकाला है। सूट ही मैंने ऐसा निकाला क्योंकि आज निकाह भी है मेहंदी भी है तो वो उससे मैचिंग हो रहा है। मेहंदी में पीला पीला अक्सर पहना जाता है और निकाह में क्या है वो वाइट मैरून कोई भी चल जाता है, लेकिन कॉमन वाइट है तो वो दोनों कलर का कंट्रास्ट है, ठीक है मैचिंग है 2:2 ने। तो चलते हैं सबसे पहले भाई DSP को उठाना है, उसके साथ ही मैं जाऊंगा खत वत बनवाते हैं, थोड़ा चेहरा वेरा हुलिया सही करवाते हैं, उसके बाद जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना यार ऐसे। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग और बताएं भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ठंडा व्लॉग स्टार्ट करा तो अबे तो यार क्या करें अभी भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे ये हर चीज़ में। हम लोग जा रहे हैं अभी जरा खत वत बनवाने और आप मेरे पैसे दे रहे हो दाढ़ी बनवानी है यार, अबे यार ये तो कोई सीन नहीं था मालिक। शादी किसके घर में? घर में तो मेरे, तो खर्चा कौन करेगा? ये गाड़ी मैं ला रहा हूँ उसका पेट्रोल कौन डलवाएगा? ये तो नहीं डलवा रहे ना आप? हाँ ये तो है। तो 500 रुपए नहीं खर्च कर सकते यार? चलो देखते हैं। ये आ गया देखो, यहाँ से बनवाना, कहाँ से? ये वाला यहाँ से, हाँ कैमरा घुमा के दिखाओ ना ये बस। ओके ये बैठा हुआ हमारा नाई, ये नाई बैठा हुआ हमारा, लालत तेरी शक्ल पे मनुस। चलो भाई चलते गाड़ी लगाओ पहले तो देखते क्या। पैसे दे रहे हो ना आप? अल्लाह मालिक ही अल्लाह मालिक देखते देखते अल्लाह मालिक चल रहा यार लगाना दे देंगे। चल गाड़ी लगा, फायर भी सुनाएंगे आप लोगों को लाजमी। हाँ सुनाते हैं आज रात में तो फायर ही फायर है।
खत बना दे बस, और उसके बाद थोड़ी सी नाक वक पे ऐसे ना मास्क कर दे मेरे। बाल वालों को छोड़, गंजे हो गए भाई हम। अजान हो रही, शर्म नहीं आ रही तुझे, हंसी मजाक कर रहा है। अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं और दुकान वाले ने दुकान से बाहर निकाल दिया है, ये DSP पैसे नहीं दे रहा उसको, और ये तेरे को बैठ के कर क्या रहा है ये क्या है ये टाइम पास। मैंने एक चैनल बनाया व्हाट्सएप पे, तो तुम लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। तो क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 6:19 हो रहा है, और हमें कब जाना है? हमें जाना 7:30 बजे। 7:30 बजे हमें जाना है, और अभी तक यहाँ बैठे हैं, और इसको ही मैंने बिठा के रखा हुआ, इसको तैयार होना है यार, मसला नहीं है, तैयार हो जाएंगे। हाँ, इसको तो पता ही नहीं है घर में खाने से, मैंने पूछा क्या खाने में, क्या बोला पता नहीं, तब के शादी इसके घर में क्या है खाने में, कुछ पता चला यार? अभी पता नहीं। तुझे इनविटेशन भी है कि नहीं? हैं, तुझे पता है? बोलता ही नहीं किसी मामले में भाई। अच्छा, या घर वाले पूछते नहीं है? वो ये बात भी है, छोटा हूँ ना। बात तो सही है। हाँ तो भाई मैं आ गया था घर, दाढ़ी वाड़ी बनवा ली आपको भाई, एकदम अभी चिकना क्लीन लग रहा है ना, अस्तीन का डिजाइन ऐसा है, मुझे लगा शायद मैंने उल्टी पहन ली, लेकिन कुछ अभी आपका भाई यूं लग रहा है, ये देखो खतरनाक नजर आ रहा है, मैं तो लग मैं भाई वेरी गुड रहा हूँ। अभी बस एक चीज़ रह गई है, जूते वूते पहन ले ज़रा, जूते थोड़े से साफ करने पड़ेंगे, उसके बाद निकलते हैं ज़रा। तकरीबन कोई भाई 8:30 का टाइम हो गया, मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक मोनिस का फोन तो नहीं आया DSP का, तो चढ़ जाए भाई, वेरी नाइस। खैर निकलते हैं, और बाकी देखते हैं भाई कि क्या सीन है, कहाँ पर है निका, और जाता नहीं वैसे मैं किसी की शादी वादी में, ये तो DSP के भाई की है, भाई जैसा बंदा, तो इस वजह से जा रहा हूँ ना मैं, तो जाता ही नहीं हूँ मैं, तो रिलेटिव को की शादियों में नहीं जाता हूँ, मुझे दिल ही नहीं करता यार जाने का, पता नहीं क्या बंदा जाके टाइम जाया करे, जाओ यूं बैठे रहो। अब कोई हम उम्र कजन हो उसके जाके गद बैठिए, मेरे कजन ही नहीं है इतने यार, हैं तो फिर उनसे थोड़ी है नहीं है, अरे परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लें, बाल वाल तो सही है ना, अरे देख लें, मेरे को पता भी नहीं चल रहा होगा, खैर भर भर के लाओ, भर भर के। ओके हाँ भाई, कहाँ जाते हुए हम लोग? तुझे ये तो पता है ना तेरे घर में शादी हो रही है, तो तुझे टाइम का क्या पता, क्या करे यार, मजबूरी है मालिक, क्या कर सकते हैं यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्या करें, पटाखे मारने का तरीका तो लाजमी है भाई, अभी आगे जाके मारेंगे ना, मसाला मारेंगे, अभी देखते रहो कैसे आग लगाते रहो, मजा आएगा, मजा नहीं पागल, इस वजह से नहीं, काम की वजह से, आदि हम लोग क्या करें, पसीने में तो वैसे ही रहते हैं, क्या करें भाई।
चलो भाई आगे लो आगे लो आगे लो भाई, शादी हो रही क्या बता बोल रहा है? नाचो ना जाके, तुम्हारे भाई की शादी है, पराई की शादी है? आदत नहीं है मालूम, नाचने वाचने की आदत नहीं है। अब तो घर की शादी में, अबे तो घर की शादी में नाचूं मैं तो? नहीं होता भाई, भाई आप नाचते हो अपनी घर की शादी में? ये सबसे अच्छा नाचता है, सबसे ज्यादा अच्छा नाचता है, वही नाचता है। तो उन्हें डांस ही नहीं, इधर आओ ना, आप बैठो दो, 5 मिनट बैठ जाओ, क्या होता है भाई? दुर्रा में नहीं मिल रहा अपने स्कूल वाले, है ना गदन है तो ये खूबसूरत है, तू भी नहीं है। थोड़ा बहुत कम हो गया हम लोग, क्या कर रहे हैं? बॉल का है, बॉल कौन सी वाली बॉल? ये बॉल रूम है ना, पैकेज वैकेज तो नहीं मिला हुआ तुम लोगों को? पता नहीं यार, पता चल गया खाने में क्या है? पता चला खाने में क्या? बताया आपने, कुछ बताया नहीं है, कुत्ते के लेना जो आपके सामने, कुत्ते का क्या? कुत्ते कुत्ते का नहीं है, जो आपके सामने देख लेना आप। पूरा पसीने मार रहा हूँ, क्या हो रहा है? पूरा पसीने मार रहा हूँ। ओह कहाँ हो रहा है? देख पाए मेहनत करी तेरी सोच है, सिक्का राजो पाकिस्तानी इन तमाम गवाहों के मौजूदगी में करा रहा हूँ, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? जनाब सैयद मोहम्मद सलीम बिन सैयद शादी के बाद कुछ ये हाल होता है कि मोनिस भाई घर से बेदखल हो गए। हर दफा का यही है बेटा, हर दफा का यही है। सही है भाई, सही है, कोई मसली बात नहीं है, वक्त आएगा बेटा, वक्त आएगा तुम्हारा भी। सोने देते नहीं हो, खुद भी नहीं सोते, इसी वजह से हम व्लॉग को उधर एंड नहीं कर पाए। फाक साहब ने छोड़ दिया, पैदल पैदल आ रहे हैं। हम यहाँ पे घूम रहे हैं अभी बहरिया में, और वो बेबी डूब रहा, वो घड़ी भी, और बस क्या करें, यहीं घूम रहे हैं हम, घर पर आके बेवकूफ। शादी में कितना खूबसूरत लग रहा था, देखो ये देखो बंगी, तू तो ऐसे बोला कोट पहन के, अपने आपको भी दिखाया मैंने भाई, आधा अंडरवेयर पहन के घूम रहा हूँ। मोनी डीएसपी ठाठा आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज ब्रदर, इनकी नींद हराम हो गई है, और हमारे साथ अभी मौजूद है अफाक अहमद बेबी सुप्रा। तो व्लॉग हमने उस टाइम पे ख़त्म ही नहीं करा था क्योंकि हम थक गए थे बहुत, और अभी इस टाइम पे हम मौजूद हैं बहरिया में विद अपनी बेबी सुप्रा के साथ। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, हालत बड़ी ख़राब हुई हुई है, आज का व्लॉग अफाक भाई एंड करेंगे। अफाक भाई कैसे करिए अपने अंदाज में? नींद बहुत आ रही है यार। अरे मैं